रिसेंटली मैं मुंबई गया था, मुझे पता चला कि मुंबई जू में पेंगुइन है। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो मेरे मित्रों मैं आपको बता दूं कि पेंगुइन ओनली एंटार्क्टिका में ही पाए जाते हैं और ये वन ऑफ द रेयर स्पीशीज में आते हैं। इसलिए बस मैंने मुंबई लोकल का टिकट लिया और पहुंच गया मुंबई जू। यहाँ आते ही सामने आ जाते हैं ये भाई साहब। आगे चलकर हमें मिलता है ये हाथी जो कि मस्त खाने में बिजी था। अब इनका खाना डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं आगे, जहां हमें मिलेगा बल्लू भालू। यहाँ मुझे भालू के दर्शन तो नहीं होते, लेकिन आगे चलकर एक ऐसा नजारा दिखता है जो कभी नहीं देखा। अब उनको एक बार बाहर तो निकल, मस्त सेल्फी लेंगे अगर तू जिंदा बचे तो। नहीं नहीं भाई, हम दूर से ही ठीक है भाई, ये बिल्कुल पास से देखने में भी आप ठीक है। पैसा वसूल तू। एक स्पॉट और है अब तो मुंबई में, अगर तुम आना घूमने के लिए तो जू भी जरूर आना है। तो इनको यहाँ पर छोड़ के मैं चल पड़ता हूँ आगे। अब हम चल, मेरे को एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे ना, घड़ियाल भी मैंने देखा था यहाँ पे, पेंगुइन्स भी है। जहाँ मुझे दिखते हैं हिप्पोस। अरे थे कोई भी तो पानी बावड़ा बना रखा है। वो पानी में डूबे हुए ना तो दिखेंगे नहीं, बट ये बहुत बड़े होते हैं। तो गाइस ये जो हम सामने देख रहे हो ना, ये दोनों हिप्पोस है, अभी सो रहे हैं बस ये। तो अगर अब मैं वापस घूम के आऊँगा ना तो मैं इसका सीन जरूर लूँगा। अभी तो इनको सोने देते हैं, हम दूसरी चीज़ एक्सप्लोर कराते हैं, क्योंकि वो सोने वाले हैं, वो अपना आधा दिन सो के ही बिताते हैं, तो इनका भरोसा भी नहीं है निकलेंगे या नहीं निकले। ये तो किस्मत से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये तो घड़ियाल लग रहे। वैसे मैं तो यहाँ पेंगुइन देखने आया था ना, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ तक तक मतलब ना मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ नए जानवर देखने को मिले जो हमारे कोटा जू में नहीं थे, और जो टाइगर का जो सीन आया भाई, पैसा वसूल करा दिया उसने। तो गाइस इस साइड है पेंगुइन, इसका तो लेना है यार। तो गाइस चलो चलते हैं पेंगुइन देखने अंदर ही। क्या अंदर ये पेंगुइन ऐसी वाली जगह होगी अंदर पूरी? तो यहाँ पे धीरे बोलना है, सुन सुन सुन, अरे सुन मेरी बात, यहाँ धीरे बोलना है बिल्कुल। आ गया यहाँ इन पेंगुइन्स को एसी में रखा गया है, और अंदर का टेम्परेचर जरूर माइनस में होगा, लेकिन ये इतने टेम्परेचर में ही रहते हैं। थोड़ा योगा कर लूं। क्या मैंने आपको बताया कि पेंगुइन्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं? ओ गाइस पैसा वसूल हो गया, मतलब यार लिटरली एक नंबर जगह। खाना तो देख यहाँ पे सारा डोसा इडली बड़ा ये सब मिलता है। यहाँ पे सारी बर्ड्स होगी। गाइस कमेंट में बताओ इस बर्ड का नाम क्या है। ये एक बैठा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ, मुंबई आया था मैं घूमने, सालों ने पिंजरे में डाल दिया मेरे को। मकाओ तोते, मकाओ मकाओ तोते। गाइस ये भी अलग तरह के तोते हैं, देखो अलग अलग तरह की चिड़िया है। ये क्या है? कॉकटेल। कितने खचवे? एक दो तीन चार पाँच छ, ओ सात आठ, बहुत सारे। ओ कोने में भी बहुत सारे तैर रहे हो। तो ये एक तो पानी में डूबा हुआ है, वो तैर रहा पानी के अंदर, तैर रहा हूँ देख, वो एक पानी के अंदर ही तैर रहा है। देखो धकेलता हूँ पीछे ले गया, कैसा लग रहा है यहाँ पे रहकर। हाँ रहा ना लंबी गर्दन वाला। तो गाइस चलो हम चलते हैं क्रोकोडाइल देखने। ये देखो मैं क्रोकोडाइल को टच कर सकता हूँ भाई, वो तैर रहा। ले चल चल नीचे चलते, नीचे चलते, नीचे चलते गाइस, नीचे नीचे से आएगा व्यू देखना। वो व्यू देखो ये बना रहे गए हाँ बड़ा, वो बड़ा एक नीचे। गाइस देखो एक क्रोकोडाइल तो ये रहा,
एक तो ये सो रहा। ये है भाई, ये है जगह देखने की, ये है जगह देखने की, ये है सीन देखने का। तो बड़ा बड़े से ड्राइवर को लग रहा था, नाखून कितने बड़े बड़े इसके। गाइस ये वो तो था घड़ियाल, और ये है क्रोकोडाइल जिनकी मतलब मुंह चौड़ा होता है बस। ये क्रोकोडाइल है, सो रहे हैं। तो गाइस चलो अब देखते हैं एक्वा बर्ड्स देखने हैं, जो पानी की जो जान बर्ड्स होती है। मजा आ रहा है भाई। गाइस वेलकम टू मुंबई। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर ये पूरा लॉकडाउन मतलब हम अंदर फ्रीली देख सकते हैं। ये देखिए पूरा ये पूरा लॉकडाउन, यहाँ से गेट बंद हो जाता है और ये चेन ताकि क्या कोई भी बर्ड जो है ना बाहर ना जा सके। ये रहे सारे वो बर्ड्स, वो रहा कितना बड़ा, कितनी बड़ी चिड़िया है वो देख इधर देख। गाइस या तो ये सारे वही पक्षी हैं जो ट्रेवल करके आते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं कि वो माइग्रेशन करते हैं, ये सब पानी के रास्ते से आते हैं। ये गाइस देखो ये गेरा भी तो हमारा ऊपर है। ओए पीट मत करियो, बिल्कुल आए थे ओए पीट मत करियो साले, मारूंगा नहीं तो। वो क्या नाम बोलते उसको, नेवला 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 नेवला। इधर आ जा रहे, इधर आ, इधर इधर आ, इधर इधर आ, तेरे दांत दांत तोड़ दे रहे। यहाँ पे गाइस लेपर्ड और ये है हाइना, ये है भेड़िया, भेड़िया नहीं इसको बोलते हैं ना लकड़बग्गा। ये गया गुफा में। ये है चीता, ये है लेपर्ड, इसे बोलते हैं लेपर्ड। बहुत मस्त जगह है यार, क्या मतलब वो जानवर जो कभी देखे नहीं होंगे ना वो सारे हैं इसमें। एक तो इसमें सो रहा है, देखो ये सो रहा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम बेबी, बाय।